Assalamualaikum everyone, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर व्लॉग। अच्छा जी, मैंने आज से पहले एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मुझे एक कमेंट आया था कि आप ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियो बनाया करें, तो इंशाल्लाह वो वाली भी आएंगी। आज की वीडियो वैसे ड्रेसेस से रिलेटेड है, वो अलग बात है, वो मैंने डिजाइन नहीं किए, लेकिन हाँ इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि आप कुछ ना ड्रेसेस के डिजाइन मेरे माइंड में भी हैं तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो जो आज की वीडियो है उसमें मैं जिन ड्रेसेस की बात करने वाली हूँ, मैं वैसे ही कॉमनली जैसे आप दराज एक्सप्लोर कर रही थी तो मेरी नज़र से ना कुछ ड्रेसेस गुजरे और उनकी बड़ी रीजनेबल प्राइस थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैंने ऑर्डर करके देखूँ और आपके सामने ओपन करूँ ताकि आपको मेरा रियल रिएक्शन वो मिल सके ना, कि जब पहली नज़र में मैंने भी देखे तो मुझे कैसे लगे, वो बेहतर थे अपनी प्राइस के लिहाज से या नहीं। तो मैंने कहा मैं ओपन करूँगी और फिर मैं इसी वीडियो के ना साथ आगे जाके अटैच कर दूँगी, मैं मतलब पहन के या फिर उसका डिटेल जो वीडियो बनाऊँगी किसी भी ड्रेस की, वो मैं इसी वीडियो में साथ में अटैच कर दूँगी। फिलहाल अभी तो मैं इसको ओपन करूँगी तो देखती हूँ कैसे है। अगर तो ये अच्छे मतलब के जैसे हैं ना, इतनी फाइन बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है, जितनी प्राइस थी जैसा कि आपने देखा ही होगा मतलब के थंबनेल पे देखा होगा कितनी प्राइस थी, तो उस लिहाज से सिर्फ डिज़ाइंस वैसे हों और थोड़ा अच्छा हो तो वही बेहतर है, लेकिन वैसा भी तो होना चाहिए ना। तो वैसे मैं ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। वैसे एक और मैं प्राइस के बारे में बात कर दूँ, मैंने जो ऑर्डर किए थे वो लार्ज साइज में थे तो उसकी प्राइस फिर भी 1100 हो गई थी शिपिंग फीस डाल के, लेकिन अगर आप स्मॉल ऑर्डर करते हैं तो वो बिल्कुल आई थिंक आपको 850 में या फिर 900 में, अब उसकी प्राइस ना थोड़ी सी ज़्यादा होगी हो, लेकिन मैंने ये मुझे ऑर्डर किए हुए आई थिंक वह अभी 2 हफ्ते हुए हैं, तो तब इसकी प्राइस यही थी जब मैंने चेक की थी, तो जो स्मॉल की प्राइस थी वो ज़्यादा कम थी, तो आप चेक कर लीजिएगा। मैं इसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि पहले भी मैंने दराज का बोला था जो मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने सिर्फ इतना बोला था कि अगर आपको किसका लिंक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन सब यही कह रहे थे कि आपने लिंक तो शेयर किए नहीं, लेकिन इनके लिंक मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मज़ीद भी मुझे अगर इनमें कोई ड्रेस अच्छा वहाँ पर नज़र आया तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। वाओ, अभी फिलहाल तो मुझे इसकी बड़ी अच्छी लुक लगी है, ये प्रिंट भी सेम वैसे ही जैसे मैंने ऑर्डर किया था, तो इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये कि स्टिच भी है ना 1000 में, आजकल मैं कहती हूँ स्टिच ड्रेस बड़ी अच्छी बात है ना। अच्छा जी, ये है कुर्ता, ये देख ले, मैं वही बात कि मैं ये पहन के आपको साथ वीडियो अटैच कर दूंगी और मैं इस्तरी वगैरह नहीं करूंगी, ऐसे ही पहन के लगा दूंगी, क्योंकि अब मैं कहाँ पे पहले से आयरन करूंगी फिर पहन के दिखाऊंगी, तो ऐसे ही जब ट्राई करूंगी ना तब आपको ना आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ये तो कपड़ा भी मुझे मतलब जितनी इसकी प्राइस है उस लिहाज से मतलब मुझे लगता है ठीक है, ये देख लें ये लार्ज साइज है, तो अगर स्मॉल में होगा इसकी प्राइस और कम, आई थिंक नहीं, जब मैंने देखा था कम थी, और मैं लिंक शेयर करूंगी, अगर आप में से किसी ने लेना हो तो आप जाके देखिएगा आपको पता चल जाएगा। और अगर ये इसकी बात की जाए ट्राउजर की तो ये देख लें, मुझे लगता है इसका साइज ठीक है बिल्कुल, ये कुछ ना स्टिचिंग कुछ ऐसे यहाँ से नज़र आ रही है, पता नहीं ये क्यों ऐसे नज़र आ रही है, लेकिन जैसा मैंने मंगवाया था ये बिल्कुल वैसे ही है, और ये वाकई बहुत अच्छा है, मैं तो बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं हुई इससे। तो हम अपने बाकी के ड्रेस भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये मुझे लगता है कि उन लड़कियों के लिए ठीक है, जैसे कि आप अगर टीचिंग करती हैं, आप जॉब करते हैं, यूनिवर्सिटी से जाता है, तो अगर आप एक ही ड्रेस इतना महंगा ले लेंगे तो फिर वो ना मैनेज नहीं हो सकता, तो वैसे घर में पहनने के लिए या फिर जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए तो ये मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो चेंज करना होता है रोज़ ड्रेस, तो अच्छा नहीं इतनी प्राइस में अगर मिल जाए, तो अगर आपको कहीं से किसी के फ़ायदे की भी चीज़ नज़र आ रही हो तो ज़रूर उसके साथ शेयर करनी चाहिए। अच्छा जी, बाकी दो ये हैं, इनके कलर भी बड़े अच्छे हैं,
और ये दोनों भी 1000 के हैं, मतलब के शिपिंग फीस डाल के ज्यादा ज्यादा आई थिंक ये 1100 के बने थे। और स्मॉल साइज में ये इससे भी कम थे, और स्मॉल साइज इतना ज्यादा छोटा नहीं होता, क्योंकि मैंने वो भी देखे, मतलब मेरी एक कजन ने ऑर्डर किए थे, मेरी आनी की बेटी है, तो उसको बिल्कुल वो पूरा था वहां पे। मैंने एक्चुअली मैंने उसके देखे थे तब मुझे लगा था कि शायद मुझे रिस्क ले लेना चाहिए मंगवाने का, ये ठीक होंगे। और इसलिए मैं आपको बताया कि स्मॉल साइज भी कोई इतना ज़्यादा छोटा नहीं होता, तो आप उस पर भी जा सकते हैं अगर आपको वो पूरा है। तो ये उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन है जिन्हें जॉब करनी होती है, चेंज करना होता है उन लड़कियों के लिए। और वैसे भी घर में भी अगर आप हैं तो आपको डेली कपड़े वगैरह चेंज, डेली तो नहीं एक दो दिन बाद कपड़े वगैरह चेंज करने पड़ते हैं, तो फिर उसके लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप पहन सकते हैं। ये देखेंगे ये भी बड़ा अच्छा है, मैंने बड़ा पसंद करके मुझे बड़ा अच्छा लगा था ना इसका प्रिंट, तो ये देख लें। और उसके अलावा ये इसकी शर्ट है, ये मुझे तो ये आराम से पूरे हैं ना, मतलब कि मुझे ये बिल्कुल पूरे होंगे। वही बात मैं वीडियो साथ अटैच कर दूंगी। और जहाँ तक मैं ये बात कर रही हूँ घर में भी चेंज करने पड़ते हैं, वो भी हमें करने चाहिए, क्योंकि ख्याल रखना चाहिए, अपना साफ रहना चाहिए। और साफ आप तब भी रहते हैं जब आप कपड़े वगैरह चेंज करें, या मतलब कि खुद का ख्याल रखें। वैसे भी अगर हमारे इस्लाम की बात की जाए तो इरशाद है अल्लाह खूबसूरत और खूबसूरती को पसंद करता है। खूबसूरती का वो क्राइटेरिया नहीं जो हमारे माशरे में सेट है कि गोरा रंग या फिर शार्प फीचर्स। खूबसूरती इसी में कि आप अपना ख्याल रखते हैं, खुद को साफ रखते हैं। और सफाई तो वैसे भी इंसान का आधा ईमान मुकम्मल कर देती है, सफाई निसफ ईमान है। तो ना सिर्फ अपने आप का ख्याल रखना चाहिए जिस्मानी तौर पे, अपने आसपास के माहौल को ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। और ऑर्गेनाइज के रिलेटेड ही मेरी नेक्स्ट वीडियो है कि मैंने कैसे अपने बेबी के बाद अपने रूम को और अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ें पढ़ें जिससे शैतान बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो अगर आप वॉशरूम में रोते हैं तब, या फिर आपके आसपास का माहौल बिखरा होता है। तो वैसे भी अगर कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, आप यकीन करें आप कुछ दिन ना सिर्फ अपने आसपास के माहौल को बिल्कुल साफ सुथरा रख के देखें, बिखरी हुई चीज़ें ना हो, तो आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है, आप इतना अच्छा फील करते हैं, आप एनर्जेटिक फील करते हैं। वैसे भी आपकी ना ये जो सोच पॉजिटिव और अच्छे अच्छे हालात आते हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। है इस चीज़ पर बात करने लगी ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये है, मैं आपको साथ साथ एंड पे या शेयर कर दूंगी, या वीडियो के साथ साथ मैं अटैच कर दूंगी जो मैं पहनूंगी ड्रेस आपको दिखाने के लिए। तो जी उसके बाद ये वाली है, ये भी बहुत अच्छा, कलर भी बहुत अच्छा है। और मजे की बात यह, मुझे लग रहा था, मुझे वाकई लग रहा था कि साइज में मेरे कोई इशू ना आ जाए, ये ना हो कि ये जो ट्राउजर अक्सर होते हैं ये तंग होते हैं। बस मैं खुद भी इतनी ज्यादा मोटी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अभी ये देख लें, फिर भी कभी ऐसा होता है ना कि बिल्कुल ही चीज ऐसी होती है कि आप पतले भी हों तो ट्राउजर्स में बहुत मसला आता है, अक्सर ये होता है। तो देखते हैं, वैसे मुझे यहाँ से थोड़ा लग रहा है कि ये ना, ये बाकी यहाँ से तो ठीक है, लेकिन चलें पहन के देख लेंगे। और उसकी ये इसकी शर्ट है, शर्ट इसकी है जी ऐसे, शर्ट भी बिल्कुल ठीक मुझे ना इसका साइज लग रहा है, शर्ट का साइज भी मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो वही बात ये इसके बाजू में, तो मैं इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और भी बहुत, आप वैसे मुझे लिंक डालने की जरूरत है, आप एक ही लिंक पे जाएंगे तो आपको ना काफी ज्यादा और भी ड्रेसेस के ऑप्शन मिल जाएंगे। इतने प्यारे प्यारे कलर भी थे, इतने प्यारे प्यारे ड्रेस भी थे। तो आगे ईद भी है, उसके लिए अगर आप कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहें उसके लिए भी ठीक है। तो जहां तक ड्रेस डिजाइनिंग की पहले मैं बात कर रही थी, तो मैंने इससे पहले आप यकीन करें ड्रेस डिजाइनिंग की जो वीडियो लगाई मैंने, उसमें कोई 3-4-5 ड्रेस अपने बनवाए खुद डिजाइन करवा के, और उसमें से मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं फिर प्रेग्नेंट हो गई और मैं वो अनफॉर्चुनेटली पहन भी नहीं सकी सारे ड्रेसेस, तो वो उनमें से मैंने कोई ड्रेस यूज़ नहीं किया। हालांकि स्टार्टिंग में तो पूरे ही होते हैं ड्रेस, तो मैंने उनमें से कोई ड्रेस यूज़ नहीं किया। तो मैंने दिला पहले मैं वो करूँ यूज़, और उसके बाद मैं ना इंशाल्लाह
डिजाइंस भी कुछ मेरे माइंड में है जो मैं करना चाहती हूँ, और आगे मेरी नाम की फिर शादी भी आ रही है, तो मेरा दिल है कि मैं सारी अपनी ड्रेसिंग खुद ही डिजाइन करूँ, खुद ही अपने डिजाइंस, और इंशाल्लाह बड़े मतलब कि आप देखिएगा मैं बड़ा अच्छा डिजाइन करूंगी और आपके साथ भी अच्छे अच्छे से आइडियाज शेयर करूंगी, तो वो वाली वीडियोज भी आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे भी कैजुअल बहुत ज्यादा डिजाइन मेरे माइंड में थे, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो, और जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं वही बनाने वाली हूँ, उस पर अभी मेरा काम हो रहा है क्योंकि मैं साथ साथ दूसरे काम भी कर रही हूँ, मतलब कि जो मेरा सारा बिखरा हुआ सामान था मामा के घर से रह के साथ साथ कर रही हूँ, तो वो भी आपके साथ जल्दी शेयर कर दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।